और राजी और समिता जो है उस कार्य को पूरा का पूरा चौदह दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तो मैं आपसे कहूं समय लगाया तो कोई ना कोई तो काम होगा तो काम मान लीजिएगा 21, 18 और 14 से कटने वाली संख्या कितनी होगी 126 तो 21 दिन में 126 काम होता है तो एक दिन में कितना होगा अच्छा छह इसी प्रकार से 18 दिन में 126 होता है तो एक दिन में कितना होगा सात और 14 से भाग करेंगे थे, कितना आएगा नौ तो तीनों प्रकार की हमने कार्य क्षमता निकाल चुके हैं आगे क्या कहता है देखिएगा तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो हेमा जो है कितना काम कर दिए छह और दोनों कितना काम करती है सात तो ये छह हुआ और इसने कितना काम किया होगा एक काम किया होगा तभी तो टोटल सात होगा इसने छ काम कर रही है तो ये कितना काम करती है एक और टोटल कितना है नो तो इसके द्वारा कार्य कितना किया गया दो अब जो हमें कार्य क्षमता निकालनी थी हमने निकाल ली अब आगे कहता है सारा का सारा कार्य हेमा और समिता एक साथ मिलकर करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा तो कार्य अब भी कितना होगा एक सौ छब्बीस होगा और हेमा और समिता इस कार्य को करना चाहते हैं तो अपनी गति से करेंगे तो हेमा कितना करती है छह और समिता दो काम करती है एक सौ छब्बीस बटे यहाँ क्या लिख दीजिए आठ तो देखिए आठ से तो कटेगा नहीं तो दो से काट सकते हैं ऊपर कितना आएगा तिरसठ बटे चार दिन और इतने दिन में दोनों के द्वारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा यही आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा तीस पुरुष वाली एक टीम किसी कार्य को इकतालीस दिन में पूरा कर सकती है इसका मतलब क्या है कोई काम था और इस काम को कितने दिन में पूरा कराना है इकतालीस दिन में पूरा कराना है तो कितने व्यक्ति को नियुक्त किया तीस व्यक्ति को आगे कहता है पच्चीस दिन के बाद इसका मतलब ये कार्य कितने दिन कर चुके हैं पच्चीस दिन तक तो कर चुके हैं पच्चीस दिन के बाद देखिए छह व्यक्ति तो आप बताइए पच्चीस दिन तक तो कोई ना कोई तो काम हुआ होगा अब काम कितना हुआ है इस सवाल में जानकारी नहीं है मगर पच्चीस दिन का काम हो चुका है और पच्चीस शेष कार्य शेष काम पर छह व्यक्ति और नियुक्त किए जाते हैं तो पहले कितने थे तीस थे तो तीस से कितने ज्यादा और हो जाते हैं छह तो इसका मतलब ये बचे काम को कितने व्यक्ति काम करते हैं छत्तीस और जब ये कार्य करते हैं तो कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है इसका मतलब 25 दिन का तो यहां हो गया और टोटल कितने दिन में कराना था 41 दिन में तो 41 में 25 गए तो 16 दिन में तो तब होता जब कार्य समय से होता तो समय से एक दिन पहले की बात कर रहा है तो कितने दिन में होना चाहिए पंद्रह दिन में होना चाहिए तो आप मुझे बताइएगा तो यदि मैं आपसे कहूं देखिएगा उसने कहा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एम वन गुणा डी वन बराबर होता है एम टू गुणा डी टू अब यहां देखिएगा कौन आया छत्तीस व्यक्ति थे इसमें छत्तीस आदमी थे और दिन लगाए पंद्रह दिन तक लगाए तो कार्य समाप्त हो जाता है अब वो कहता है यदि ये व्यक्ति ना थे तो अब जब व्यक्ति नहीं आएंगे तो पहले कितने से थे ऑलरेडी तीस थे तब नहीं आते तो तीस ही करते तो तीस करते तो कितने समय में कर पाते यही तो आपसे पूछा है तो आप बताइए पंद्रह से काट दीजिए पंद्रह दूनी तीस और दो से ऐसा काट दीजिएगा तो यदि व्यक्ति ना थे तो समय लगता है अठारह दिन और आए हैं तो कितने दिन लगे हैं दिन तो आप बताइए दोनों के समय का अंतर कितना है ये दिन 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 में में हुआ है रवट, दिन में, तो तीन दिन और तो लग जाते क्योंकि अठारह दिन लगेंगे तो तीन दिन और लगते और यही आपका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बारहल और चौदह कुशल श्रमिक तो बारह अकुशल है श्रमिक है और चौदह कुशल हैं यदि एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य नौ दिन में पूरा हो जाता है कै दिन में पूरा हो जाता है नौ दिन में पूरा हो जाता है अब प्रत्येक अब इनकी कंडीशन दी है कार्य क्षमता के बारे में बताया गया है तो वो कहता है कुशल जो श्रमिक है कुशल से किसी कार्य को करने में दुगना समय लेते हैं इसका मतलब ये एक काम करेगा एक समय लेगा तो ये कितना समय लेंगे दो समय लेंगे तो ये किस चीज का अनुपात है समय का अनुपात किसी काम को करने के समय का अनुपात निकाल लिया अब तुम जानते हो समय के अनुपात से हम क्या निकाल सकते हैं कार्य करने की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं तो कार्य क्षमता का अनुपात कितना होगा एक अनुपात दो हो जाएगा इसका मतलब ये एक काम करता है तो ये दो, दो काम करता है तो अब टोटल काम निकाल सकते हैं टोटल काम कैसे निकालेंगे ये व्यक्ति एक काम करता है व्यक्ति कितने हैं बारह तो बारह काम यहां हुआ होगा और ये कितना करता है दो तो अब दो करता है एक तो चौदह है चौदह दो नहीं और इसी प्रकार से कितने दिन में पूर्ण नौ दिन में तो इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा चालीस और चालीस गुणा नौ तो आप कह सकते हैं कि टोटल काम कितना था तीन सौ साठ था अब तीन सौ साठ आगे क्या कहता है अब काम है तीन सो साठ तीन सौ साठ अब इसका किससे कराना है बारह कुशल श्रमिक से तो बारह कुशल श्रमिक से कराना है और आप जानते हैं एक व्यक्ति कितना काम करता है दो तो बारह कितना करेंगे एक दिन दिन में में और और के हिसाब से 360 को जब कराना है तो आप बताएंगे कितना आंसर आएगा 15 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को चालीस दिन में करते हैं तो इसका मतलब ए प्लस बी और प्लस सी किसी निश्चित कार्य को चालीस दिन में कंप्लीट कर लेते हैं जबकि बी और सी उस कार्य को एक साथ करें तो साठ दिन में कंप्लीट कर पाते हैं तो काम तो होगा कोई ना कोई तो काम मानिएगा चालीस तो और साठ से कटने वाली संख्या तो एक सौ बीस होगा तो यहां कितना आएगा तीन और यहां कितना आएगा दो ये क्या है दोनों प्रकार से कार्य क्षमता निकाल ली है आगे क्या कहा कंडीशन देता है कंडीशन क्या देता है बी जो है ए से पच्चीस परसेंट अधिक कुशल है अब मुझे बताइए ये कितना काम करता है चार काम करेगा तो ये कितना काम करेगा पच्चीस तो ये क्या है कार्य करने की कार्य करने की क्षमता है अब यदि आप एक की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ एक ले आइए तो यहाँ एक आ जाएगा यहाँ पांच बटे चार आ जाएगा ये एक काम करेगा तो पांच बटे चार और पांच बटे चार को आप शायद दशमलव लिख दो ऐसे लिखा रहने दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब सवाल क्या कहता है ए बी और सी एक साथ मिलकर तीस दिन तक कार्य करते हैं तो अब ध्यान दीजिएगा ए बी सी ए बी और सी एक साथ मिलकर तीस दिन तक कार्य करते हैं कितने दिन तक कार्य करते हैं तीस दिन तक कार्य करते हैं तो आप बताइए ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं तीन और तीन के हिसाब से तीस दिन में कितना काम हो गया होगा नब्बे काम हो चुका है अब जब नब्बे काम हो चुका है तो बचा काम है तो बचा काम कितना है बचा काम तो बचा काम कितना होगा टोटल कितना था 120 तो बचा 30 और 30 को कौन करेगा बी अकेला तो बी की कार्य क्षमता कितनी है पांच से भाग करिए छह और छह चौ चौबीस इसका मतलब बी शेष काम को चौबीस दिन में पूरा कंप्लीट कर लेगा क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ए एक साढ़ी को ग्यारह दिन में और बी बीस दिन में और सी पचपन दिन में पेंट कर सकता है जो ए जो है ग्यारह दिन में और बी जो है बीस दिन में और सी जो है पचपन दिन में पेंट कर सकता है तो साड़ी तो एक ही है बस समय अलग अलग क्यों लगा क्योंकि कार्य क्षमता सेम अलग अलग होगी तो इन सब का एलसीएम मान लीजिएगा काम मान लीजिएगा तो आप जानते काम कितना हो जाएगा दो सौ बीस अब जब हम ग्यारह से काटेंगे तो यहां देखिए बीस आएगा और कितना आएगा दस आएगा और यह कितना आ जाएगा चार आ जाएगा क्या आ चुकी है कार्य करने की कार्य क्षमता आ चुकी है सॉरी पर कितना आएगा ग्यारह आएगा। आगे क्या कहता है वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और कार्य पूरा करने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिनों पर बी द्वारा एक ही सहायता की जाती है तो प्रत्येक सम संख्या वाले दिनों पर सी के द्वारा सहायता की जाती है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा तो एक बात बताइए सम कौन से होते हैं जो दो से कटते हैं अरबी सम एक तीन पांच ऐसी तो होगा और सम कौन से होंगे? ये कौन से दिन है विषम दिन और यहां कौन से हैं? सम दिन तो आप मुझे बताइए सॉरी ये कौन सा है ये दो है दो को आप क्या कहेंगे सम और ये फिर विषम आ जाएगा और फिर यहाँ चार क्या जाएगा? साम आ आ जाएगा जाएगा अब आगे सवाल ने क्या कहा है उसने कहा है प्रत्येक विषम दिन बी द्वारा एक ही सहायता की जाती है तो आप बताइए यहां कौन आएगा काम करने तो आप बताइए ए तो आएगा ही आएगा किसके साथ आएगा बी के साथ और जैसे ही सम दिन आएगा फिर ए के साथ कौन आ जाएगा सी आ जाएगा और इसी प्रकार से कार्य चलता रहेगा तो ये कितने दिन का काम हो चुका है दो दिन का अब दो दिन में कितना काम हुआ है ये तो आपको निकालना है तो अब मैं आपसे बताइए ए और बी कितना काम करते हैं ए और बी दोनों के इकतीस काम करते हैं आगे कहता है ध्यान से क्योंकि इकतीस काम करते हैं ए और सी जो है ए और सी कितना काम करते हैं चौबीस काम करते हैं तो दो दिन में कितना काम होगा तो आप बताइए कितना आएगा पचपन काम हो चुका है दो दिन में अब टोटल काम कितना था 220 तो 220 बनाने के लिए बेटा चार से गुणा इधर कर दीजिएगा और चार से गुणा इधर कर दीजिएगा चार दो नहीं आठ तो आठ दिन में कितना काम हो चुका है 220 काम हो चुका है यही आपसे पूछा था कि टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा तो आठ दिन यही आपका आंसर आ जाएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कहता है एक्स बाई एक निश्चित कार्य को अट्ठारह दिन तीस दिन पूरा कर सकता है आगे कहता है एक्स जो है कितने दिन में पूरा कर सकता है अठारह दिन में कार्य को कंप्लीट करता है और बाई जो है उसी कार्य को तीस दिन में पूरा कंप्लीट करता है अठारह तो नब्बे और तीस नब्बे तो ये क्या है कार्य करने की कार्य क्षमता है आगे कहता है बाई देखिएगा बाई जो है सॉरी जेड जो है बाईस से पचास परसेंट अधिक कुशल है और जेड जो है बाई ने कार्य पूरा किया लेकिन दोनों ने चार दिन के बाद कार्य छोड़ दिया तो अब मैं आपसे कहूं देखिएगा यहां पर तो निकाल ली कार्य क्षमता मगर किसके बारे में कहा है जेड जो है बाईस से कितना परसेंट ज्यादा कुशल है पचास परसेंट ज्यादा कुशल है तो बाई कितना काम करता है तीन काम करता है तो पचास परसेंट निकालिए इसका कितना होगा एक दशमलव पांच तो ये कितना काम करना चाहिए साढ़े चार कार्य करना चाहिए वो कहता है बाई जेड और बाई ने कार्य करना शुरू किया दोनों ने चार दिन के बाद छोड़ दिया तो अब मैं आपसे कह सकता हूं किसने शुरू किया था जेड प्लस बाई ने कार्य शुरू किया था और क्या दिन तक किया था चार दिन तक किया था उसके बाद छोड़ देता है शेष कार्य कौन करता है एक्स करता है किसकी सहायता से पी की सहायता से और कितने दिन में पूरा कर लेता है चार दिन में पूरा कार्य को कंप्लीट कर लेता है तो आप एक बात बताइए जेड और बाई ने कै दिन तक कार्य किया था कितने दिन चार दिन तक कार्य किया था तो जेड कितना करता है साढ़े चार और बाई जो करता है वो कितना काम करता है तीन तो साढ़े चार और तीन कितना होता है साढ़े सात और साढ़े सात कै दिन तक चला चार दिन तक तो कह सकते हैं चार दिन का काम निकालेंगे तो कितना काम आएगा तीस काम आ चुका है अब तीस काम टोटल कितना था नब्बे था तो नब्बे में से तीस हो चुका है तो बचा कितना होगा तो आपके साठ काम बचा है और साठ काम को कौन करता है एक्स और एक्स के साथ पी काम करते हैं और क्या दिन में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं चार दिन में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो एक्स की कार्य क्षमता तो आपको पता है पांच है और पी की नहीं पता तो पी ऐसे लिख रन दीजिएगा यदि मैं इससे इसको भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा पंद्रह बार तो आप बताइए क्या आएगा पंद्रह बराबर पांच प्लस पी आएगा तो इसको इधर लाएंगे बताइए कितना आएगा दस आएगा तो इसका मतलब है? है। कितने, तो है? है। है? है। तो कितने समय में पूरा किया जा सकता है नौ दिन में पूरा किया जा सकता है और यही आपका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ए, किसी कार्य के बारह परसेंट भाग को निर्धारित समय के पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट समय में पूरा कर सकता है ए और बी निर्धारित समय के पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है तो बी कितना भाग पूरा करता है 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 तो उसने कहा है, ए जो है किसी काम का कितने परसेंट बारह परसेंट भाग तो कोई काम है तो काम कितने परसेंट होता है हंड्रेड परसेंट और समय में पूरा होता होगा तो वो कहता है ए जो है बारह परसेंट काम कितने दिन कितने कर, परसेंट में समय में कर पाता है पंद्रह परसेंट समय में पूरा कर पाता है तो हमारे पास ना काम के बारे में जानकारी है ना समय के बारे में तो थोड़ा सा हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिएगा सो परसेंट काम करने में कितना दिन लगा चाहे दिन लिख लीजिएगा चाहे यहां मिनट लिख लीजिए चाहे सेकेंड लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज में कभी डाटा इंपोर्टेंट नहीं होता है तो पूरा काम कितने दिन में होता है सो दिन में पूरा होता है तो आप बताइए ए ने पंद्रह परसेंट समय लिया कितना परसेंट काम करने के लिए बारह परसेंट तो सो का पंद्रह परसेंट कितना होता है पंद्रह दिन तो हम कह सकते हैं कि पंद्रह दिन में बारह परसेंट काम कर पाता है तो आप बताइएगा तो पूरा समय क्योंकि पूरा समय लिया होगा तो हम पूरा समय लगाए इसको क्योंकि काम करने में तो पूरा समय रहा होगा तो आप बताइए इसको हम तीन से भाग कर लेते हैं तीन चौक बारह चार परसेंट कार्य को करने में कितना समय लेता है पांच दिन और समय कितना था पूरा सो तो सो बनाने के लिए इसको हम किससे गुणा कर दें बीस से और इधर भी किससे गुणा कर दें बीस से तो बीस कितना होता है अस्सी परसेंट काम हो पाता है पूरे समय में इसका मतलब ये कहना चाहता है ए यदि सो दिन तक कार्य में रहा सो दिन टोटल माना तो वह पूरा कार्य नहीं कर पाता है कार्य कितने दिन कितना कर पाता है उस कार्य का अस्सी परसेंट और कार्य समय में पूरा हुआ है मगर ए के साथ कौन था बी था नहीं था इसका मतलब जो ये काम नहीं कर पाया होगा तो वो काम किसने किया होगा बी ने तो टोटल काम कितना था हंड्रेड परसेंट अस्सी इसने किया है तो बी ने कितने परसेंट काम किया होगा बीस परसेंट ही तो काम किया होगा कि तो टोटल तो काम कंप्लीट किया गया है और आपसे बी का हिस्सा पूछा है और यही आपका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है चौदह पुरुष एक कार्य को नौ दिन में पूरा कर सकते हैं तो चौदह पुरुष है और उस कार्य को नौ दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं आगे कहा जबकि सोलह महिलाएं हैं, उसी कार्य को सात दिन में पूरा कंप्लीट कर सकती हैं। तो कार्य क्षमता निकाल लेंगे तो मैं आपसे कहता हूं देखिए सात दूनिक चौदह होता है अब इसे भाग करिए आठ आ जाएगा तो नौ पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर काम कर सकते हैं आठ तो पुरुष और महिला की कार्य क्षमता कितनी आएगी आठ बटे नो. इतना करने के बाद अब टोटल क्या निकालना पड़ेगा काम तो काम कैसे निकालेंगे इस तरह के सवाल तो काफी आ चुके हैं तो चौदह पुरुष से करा लो दिन लेंगे वे नौ दिन लेंगे तो एक दिन में कितना पुरुष करता है आठ तो चौदह है तो चौदह गुणा आठ गुणा नौ इतना काम है अब इस काम को किससे कराना है छह पुरुष प्लस आठ महिला इस काम को करें तो एक पुरुष कितना काम करता है आठ आठ छ अड़तालीस काम तो पुरुषों के द्वारा हुआ और एक महिला नौ तो नो अठे बहत्तर होता है तो बहत्तर किसने करा महिला ने किया अब आप बताइए तो टोटल था चौदह गुणा आठ गुणा नो अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा जीरो एक सौ बीस आपका आ जाएगा अब देखिएगा मैं आपसे कहूं आठ से, से काट सकते हैं पंद्रह आएगा अब फिर देखिएगा तीन से काट सकते हैं नौ तीन तीन और तीन पंजे पंद्रह आएगा तो ऊपर कितना आया चौदह होता है बयालीस बटे पांच पांच अट्ठे चालीस होता, होता है इसका मतलब चार दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं वो कहता है दो कर्मचारी हैं एक्स और बाई ने एक काम करने के लिए लगे हुए हैं एक्स अकेले कार्य करते हुए कार्य को का पूरा करता है दोनों द्वारा एक साथ बेटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला ये कहना चाहता है एक काम पर कितने व्यक्ति लगे हैं एक्स और बाई कार्य पर कर, लगे हैं बेटा जितने समय में ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं एक्स और बाई एक्स और बाई जितने समय में उस कार्य को कर पाते हैं उससे कितने दिन सॉरी बारह घंटे बारह घंटे ज्यादा में कौन काम कर पाता है बारह घंटे में कौन ज्यादा काम कर पाता है तो आपसे मैं कहता हूं एक्स अकेला काम कर पाता है। इसका यह मतलब है कि जितने समय में ये कार्य को कंप्लीट करते हैं उस कार्य को एक्स करे तो बारह घंटे ज्यादा समय लगाएगा और इसी प्रकार से आगे कहा गया है एक्स प्लस बाई जितने समय में इस कार्य को कंप्लीट कर पाते हैं उसी कार्य को यदि बाई कार्य करे तो उस समय से कितना ज्यादा घंटे लगा पाएगा सत्ताईस घंटे ज्यादा समय पा, लगा पाएगा और इस तरह के सवाल आपको काफी आ चुके हैं तो आप मुझे बताइए ये सवाल ऐसा था जितने समय में इसने किया उससे घंटे ज्यादा अकेला कर पाता है तो ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए और बी यहाँ कितना समय ज्यादा है ए और यहाँ कितना समय ज्यादा है यदि दोनों का काम निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं दोनों के काम के लिए तो यहाँ कितना ज्यादा समय था हमने कहा ए है इसका कितना है बी है और इन दोनों पे क्या लगा दीजिएगा रूट लगा दीजिए किसका समय निकल जाएगा एक्स और वाई का एक साथ करने का समय निकल जाएगा तो आप बताइए यहां कितना आएगा अब तो मुझे बताइए क्या लगेगा रूट लगे. तो नौ ती कितना होता है सत्ताइस होता, होता है तो आप जानते हैं चार देखिएगा चार किसका स्क्वायर रूट होता है दो का यहां कितना आएगा इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा और यहां कितना आएगा तीन आ जाएगा तीन तिया नौ और नौ दो नहीं अट्ठारह अट्ठारह घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे दोनों के दोनों और आपसे यही तो पूछा है वो कहता है वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने घंटे में कंप्लीट हो जाएगा तो अट्ठारह घंटे में कार्य कंप्लीट हो जाएगा ये सवाल कई बार आ चुका है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एबीसी मिलकर एक कार्य को सोलह दिन में पूरा कर सकते हैं अब उन दोनों उन तीनों ने दो दिन तक एक साथ कार्य किया फिर ए ने छोड़ दिया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा ए प्लस बी प्लस सी पूरा कार्य कितने घंटे में कर सकते हैं सोलह दिन में या सोलह दिन में पूरा कर सकते हैं उन्होंने क्या दिन तक सात कार्य किया दो दिन तक सात कार्य किया किन्होंने ए प्लस बी प्लस सी ने कै दिन तक कार्य करा दो दिन तक कार्य किया आगे कहता है फिर ए ने छोड़ दिया उसके बाद बी और सी ने नौ दिन तक कार्य किया तो मैं आपसे कह सकता हूं इसके बाद बी और सी क्या दिन तक कार्य करते हैं नौ दिन तक कार्य करते हैं आगे कहता है फिर बी चला जाता है शेष कार्य सी करता है और क्या दिन में कर लेता है छह दिन में कर लेता है इसका मतलब इसने कितने दिन में पूरा कंप्लीट कर लिया छह दिन में और यदि सी अकेला उस कार्य को करे तो कितने दिन में पूरा कर सकता है चौबीस दिन में तो आप मुझे बताइए सी अकेला चौबीस दिन में करता है तीनों मिलकर सोलह दिन में करता है तो इनकी कार्य क्षमता हम निकाल सकते हैं तो इनका एल्सियम कितना आएगा अड़तालीस तो चौबीस अड़तालीस सोलह अड़तालीस ये क्या है कार्य करने की कार्य क्षमता आपने निकाल ली अब आगे ध्यान दीजिएगा देखिए काम निकालना पड़ेगा इसने कहा ए बी और सी कै दिन काम करते हैं दो दिन और दो दिन में कितना काम कर पाएंगे तीन के हिसाब से क्योंकि एक दिन में तीन करते हैं तो तीन के हिसाब से दो दिन में कितना काम किया है छह आप बताइए सी अकेला कै दिन तक काम करता है छह दिन तक काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है दो तो छह दिन में कितना काम किया होगा बारह काम तो बारह काम यहां हो चुका है और टोटल काम कितना था अड़तालीस था तो अड़तालीस में से बारह यहां चला गया छह यहां चला गया तो आप कहेंगे कितना जा चुका अट्ठारह तो बचा कितना तीस काम बचा है नहीं बचा है अब तीस काम बचा है तो तीस काम को कौन करते हैं बी और सी तो हमें पता है बी की कार्य क्षमता हमें नहीं पता मगर बी और सी कार्य करते हैं तो बी की कार्य क्षमता नहीं पता तो ऐसे दीजिएगा मगर सी की कार्य क्षमता हमें पता है एक दिन में कितना करता है दो तो दो लिख दीजिएगा और इस प्रकार से इस काम को करने में कितने दिन लगाए बेटा नौ दिन तो यहाँ नौ दिन लिख सकते हैं क्योंकि तीस काम को बी और सी नौ दिन में कर पाते हैं तो बी की कार्य क्षमता निकल जाएगी कैसे निकल जाएगी देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा इसकी तो आप कहेंगे यहां कितना आएगा तीस बराबर अब देखेगा यहां कितना आएगा नो बी प्लस अब नो दो नहीं अट्ठारह इसको इधर लाएंगे तो यहां क्या बचेगा बारह बारह बराबर नो बी इसको नीचे लिया ये। तो बारह बटे नो बी का इसे काट लेंगे तो चार ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा तीन तो ये क्या चीज निकल चुकी है ये बी की कार्य क्षमता निकल चुकी है बी एक दिन में कितना काम कर पाता है आपसे यही तो पूछा है बी अकेला उस कार्य को करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा तो आप मुझे बताइएगा बी करे तो बी के लिए अब भी काम कितना है 48 और उसकी कार्य क्षमता कितनी है 4/3 तीन, तो 3 ऊपर बच जाएगा तब 12 और 12 दिया 36 इसका मतलब पूरा का पूरा बी कार्य करे अकेले तो कार्य हम पूरा कार्य करने में कितना दिन लगाएंगे 36 दिन क्योंकि हमें बी की कार्यक्षमता नहीं पता थी तो जब तक कार्य क्षमता नहीं पता होता तो काम भी नहीं कर पाएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ए दो दिन में जितना काम करता है बी तीन दिन में उतना कार्य कर पाता है ए का दो दिन का काम बराबर है बी के तीन दिन के कार्य के तो इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी आएगी तीन बटे दो ये किसकी कार्य क्षमता निकाल चुके आप ए और बी की आगे कहता है बी और सी बी जो है जितना काम चार दिन में करता है उतना ही काम सी जो है पांच दिन में कर पाता है तो बी और सी की कार्य क्षमता निकाल लीजिएगा ऊपर पांच और नीचे कितना चार आ जाएगा अब मुझे बताइए दोनों में कॉमन कौन B है बी है तो आप कंबाइंड कार्य क्षमता निकालेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी तो ए बी का अनुपात कितना है तीन अनुपात दो और इनका कितना है पांच अनुपात चार तो जो देखिए अनुपात खा लिए इस वाले से भर दीजिएगा यहाँ दो और इस वाले से यहाँ रख दीजिए पांच तो पांच पंद्रह होगा दस होगा और यहाँ कितना है आठ आएगा तो तीनों की कार्य क्षमता आपने निकाल ली है आगे सवाल कहता है ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे यदि ए अकेला बाईस दिन में पूरा कर लेता है तो आप मुझे बताइए किसने पूरा कार्य कर लिया है ए ने पूरा कार्य कर लिया है तो ए पूरा कार्य बाईस दिन में कंप्लीट कर लेता है आप मुझे बताइए बाईस दिन तक किसी न किसी कार्य क्षमता से तो काम किया होगा तो एक दिन में कितना करता है पंद्रह करता है तो बाईस दिन में पंद्रह के हिसाब से कितना काम हुआ होगा तो आप कहेंगे तीन सौ तीस अब तीन सौ तीस काम को किसे करवाना है ए बी और सी तीनों को करवाना है तो तीनों की कार्य क्षमता जोड़िए तो कितना आएगा बेटा तैतीस ही आएगा तो कितना दिन लगेगा दस दिन लगेगा यदि तीनों उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन कंप्लीट हो जाएगा दस दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए अकेले किसी कार्य को बीस दिन में खत्म करता है जबकि बी अकेले उसी कार्य को पंद्रह दिन में खत्म करते हैं वे एक साथ पांच दिन तक कार्य करते हैं फिर रुक जाते हैं फिर सी अकेले उस कार्य को दो दिन में समाप्त कर लेता है यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए चौबीस सौ रुपए का भुगतान किया जाता है तो ए और सॉरी ए और सी के दैनिक वेतन के बीच का अंतर ज्ञात करिए तो सवाल में कहा था कि ए जो है पूरा कार्य बीस दिन में कंप्लीट कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को पंद्रह दिन में कंप्लीट करता है तो आप बताइए काम कितना हो गया साठ क्योंकि एल से मान लीजिएगा तो एक दिन में कितना करेगा तीन और एक दिन में चार तो ये क्या निकाल चुके हैं आप कार्य करने, करने की क्षमता निकाल चुके अब आगे कहता है वे एक साथ पांच दिन तक कार्य करते हैं कौन ए प्लस बी पांच दिन तक कार्य करते हैं फिर रुक जाते हैं फिर सी शेष कार्य को दो दिन में कंप्लीट कर लेता है तो आप देखिएगा दोनों ने एक दिन में कितना काम किया है सात तो सात काम के हिसाब से पांच दिन का काम कितना हो गया होगा पैंतीस तो साठ में से पैंतीस हो गया तो बचा कितना है बचा काम तो आप कहेंगे बचा काम पच्चीस होगा और पच्चीस काम को सी जो है दो दिन में कंप्लीट कर लेता है तो दो से भाग करेंगे तो आप कहेंगे बारह दशमलव पांच एक दिन का काम तो एक दिन का काम बारह दशमलव पांच है तो हमारे हिसाब से टोटल काम कितना है साठ है और टोटल तो काम के कितने रुपए तो चौबीस सौ रुपए कितने होंगे जो एक काम कर लेगा चालीस रुपए ले जाएगा एक दिन में अब बताइए सी ने एक दिन में कितना काम किया है साढ़े बारह रुपए का पर डे के हिसाब से मेरे हिसाब से तो बताइए एक का मान चालीस है तो आप कहेंगे साढ़े बारह गुणा चालीस कर देंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी पांच सौ आएगी इसी हिसाब से सी ए की बात करते हैं ए एक दिन में कितना करता है तीन और चालीस के हिसाब से कितना काम करेगा एक सौ बीस तो दोनों का अंतर कर लीजिएगा तो दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा अब बताइए तीन सौ अस्सी यही इसका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इक्कीस महिला किसी कार्य को चालीस दिन में कंप्लीट कर सकती तो है तो इक्कीस महिला है और कार्य चालीस दिन में कंप्लीट हो जाता है जबकि 30 तीस पुरुष हैं उसी कार्य को इक्कीस दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो इक्कीस से इक्कीस कट जाएगा जीरो से जीरो कट जाएगा तो आप बताइए क्या आएगा चार महिला बराबर तीन पुरुष तो ये क्या है कार्य क्षमता तो महिला और पुरुष की कार्य क्षमता निकालें तो तीन बटे चार ये क्या चुकी आ चुकी है कार्य करने की क्षमता आ चुकी है अब कार्य क्षमता से हम क्या निकाल सकते हैं समय का अनुपात क्यों क्योंकि सवाल में जैसी जानकारी वैसी आंसर मारेंगे वो कहता है एक पुरुष द्वारा अकेले और एक महिला द्वारा अकेले उस कार्य को करने में लगने वाले दिनों की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करी इसका मतलब टाइम का रेशियो पूछा है और आपके पास कार्य क्षमता का अनुपात है तो कार्य क्षमता का अपोजिट ही क्या होता है समय का अनुपात होता है तो महिला और पुरुष के टाइम का रेशियो क्या होगा चार और तीन मगर पहले पुरुष है तो पुरुष का टाइम कितना है तीन और महिला का कितना है चार है और ये अनुपात आपका हो जाएगा तीन अनुपात चार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं देखिए दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए इमरान को ग्यारह दिन ताहिर को पंद्रह दिन और अमला को तेरह दिन लगते हैं तो इमरान को एक कार्य को करने में ग्यारह दिन लगते हैं लेकिन उसी काम को ताहिर जो करता है वो पंद्रह दिन में कंप्लीट करता है और अमला जो है उसी कार्य को तेरह दिन में कंप्लीट कर लेता है तो काम सबके लिए बराबर था तो देखिए सारे के सारे प्राइम फैक्टर हैं तो इनका मल्टीपल ही क्या होगा एलसीएम होगा तो इनका तीनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा इक्कीस सौ पैंतालीस तो ग्यारह से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा एक सौ पिचानवे जब पंद्रह से भाग करेंगे एक सौ तैंतालीस आएगा और तेरह से भाग करेंगे तो कितना एक सौ पैंसठ आएगा अब जो व्यक्ति जैसा काम करता है वैसा उसका भुगतान दिया जाता है तो कार्य क्षमता का अनुपात कितना है एक सौ पिचानवे एक सौ तैतालीस और एक सौ पैंसठ तो का अनुपात है इसी को हम क्या बना सकते हैं समय का अनुपात बना सकते हैं सॉरी तो का अनुपात तो क्योंकि जो व्यक्ति जैसा काम करता है वैसा उसको धन प्राप्त होता है तो आप बताइए तीनों को मिलने वाला धन कितना है तो हम जोड़ेंगे तो हमारे हिसाब से जोड़ कितना आएगा पांच सौ तीन आएगा और सवाल में कितना धन दिया है दो हजार बारह दिया है तो जब हम इससे इसको भाग करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी चार एक की वैल्यू कितनी चार मगर आपसे पूछा गया है इमरान का हिस्सा तो इमरान का हिस्सा कितना था एक सौ पिचानवे तो एक सौ पिचानवे की हम गुणा कर देंगे किससे से और जब हम चार से गुणा करेंगे बीस, और दो होता है सात सौ अस्सी रुपए प्राप्त हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हैं कार्य करते हुए एक काम को चौबीस दिन में कंप्लीट कर लेते हैं यदि अंतिम छह दिनों से आदमी अकेले काम करता है तो कार्य 26 दिन में पूरा होता है तो लड़का अकेला उस कार्य को पूरा करे तो कितने दिन में पूरा होगा वो कहता है आदमी और इसके साथ लड़का आता है पूरा कार्य में साथ रहते तो ये पूरा कार्य 24 दिन में पूरा खत्म हो जाता है लेकिन ये कुछ समय तक तो, तो साथ रहे दोनों के दोनों और जब कार्य के कितने दिन बच जाते हैं अंतिम छह दिन तो छह दिन के लिए आदमी अकेला हो जाता है तो ऐसा करने से पूरा का पूरा कार्य छब्बीस दिन में कंप्लीट होता है कितने दिन में कंप्लीट होता है छब्बीस दिन में तो आप कह सकते हैं छह दिन तो ये चला तो दोनों ने कैसा दिन काम किया होगा आदमी और लड़के ने तो बीस दिन काम किया होगा नहीं क्या होगा तभी तो छब्बीस दिन में कंप्लीट हुआ होगा तो आप बताइए दोनों का यहां कितने दिन का है चौबीस दिन का यहां कितने है बीस दिन का जब इधर लाएंगे तो घट जाएगा तो आदमी और लड़का कितने दिन का काम आएगा चार दिन का काम बराबर कितने के छह आदमी के जब इसकी गुणा करेंगे तो चार आदमी प्लस चार लड़के बराबर कितना आएगा छह आदमी तो पुरुष पुरुष से घट जाएगा बेटा बराबर कितना आएगा दो तो लड़का और आदमी की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है एक बेटा दो इसका मतलब आदमी कितना काम करता है दो तो लड़का कितना काम करेगा एक काम करेगा अब क्या निकालेंगे हम काम निकालेंगे तो काम कैसे निकालेंगे यहां रख दीजिएगा आदमी आया आदमी के साथ कौन लड़का सब कै दिन तक काम करें चौबीस दिन तक काम किए तो इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है तीन तीन गुणा चौबीस अब इस काम को कौन करेगा एक लड़का तो लड़के की कार्य क्षमता कितनी है एक है तो एक से भाग करेंगे बेटा तो ऊपर कितना आएगा चौबीस या बहत्तर होता है इसका मतलब कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा बहत्तर दिन में कंप्लीट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक महिला द्वारा छह घंटे में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा चार घंटे में किया गया कार्य और एक लड़के द्वारा आठ घंटे में किया गया कार्य के बराबर है तो आप बताइएगा एक महिला का महिला का कितने घंटे का कार्य है छह घंटे का बराबर है एक पुरुष के चार घंटे कार्य के और बराबर है एक लड़के के आठ घंटे के बराबर आगे कहता है देखिएगा अब ये सब बराबर हैं तो मैंने आपसे कहा इन तीनों का एल्सियम कितना तो चाहिए होगा? होगा? इसका मान कितना होना चाहिए तीन तो ये क्या ही है कार्य क्षमता ही है एक महिला एक पुरुष और एक लड़के की कार्यक्षमता आ चुकी है आगे क्या कहता है प्रतिदिन आठ घंटे कार्य करते हुए आठ महिला दस दिन का कार्य को कंप्लीट कर लेती हैं तो ध्यान रखिएगा अब काम निकालना है तो काम कैसे निकाला जाएगा उसने बताया है आठ महिला हैं और कितने घंटे काम करती हैं आठ घंटे काम करती हैं और कितने दिन में कंप्लीट कर लेती हैं दस दिन में पूरा कार्य कंप्लीट कर लेती है। तो आप बताइए महिला देखिए महिला की कार्य क्षमता कितनी है चार है तो यहाँ एक महिला चार काम करती तो आठ है आठ चौक बत्तीस गुणा Osionfish. दस तो ये क्या आ चुका है टोटल काम आ चुका है अब इस टोटल काम को कौन करेगा दस महिला दस पुरुष और दस लड़के इस कार्य को आठ दिन आठ घंटे के हिसाब तो से कितना दिन में कर पाएंगे तो आप बताइए दस पुरुष हैं, दस महिला हैं और दस बच्चे हैं उसके हिसाब से आठ घंटे के हिसाब से कितने घंटे के हिसाब से आठ घंटे के हिसाब से कितना दिन, दिन लगाएंगे तो आप बताइए एक पुरुष कितना करता है छह तो यहाँ तो साठ हो चुका है एक महिला चार तो यहां चालीस और यहां पर कितना है तीस और कितने घंटे में आठ घंटे में तो आप बताइए इन्हें जोड़ लीजिएगा ऊपर काम है बत्तीस गुणा आठ गुणा दस अब जोड़िए यहां कितना आएगा चालीस एक सौ तीस एक सौ तीस आया और गुणा कितने आठ के जीरो से जीरो कट जाएगा आठ से आठ कट जाएगा ऊपर क्या बचेगा बत्तीस बटे तेरह तो आप कहेंगे तेरह दूनी छब्बीस होता है बचा कितना छे तो छह बटे तेरह दिन में पूरा कंप्लीट कार्य हो जाएगा यही आपका आंसर आ जाएगा तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक ठेकेदार बारह किलोमीटर लंबी एक नहर को तीन सौ पचास दिन में खोदने के लिए पैतालीस पुरुषों को नियुक्त करता है दो सौ दिन के बाद वह पाता है कि नहर का चार दशमलव पांच किलोमीटर काम पूरा हो चुका है और कार्य को पूरा समय से करने के लिए अतिरिक्त पुरुषों की नियुक्ति करनी चाहिए कितने पुरुष लगाने चाहिए तो बताइए कितने कितने मीटर किलोमीटर लंबी किलोमीटर लंबी एक नहर और कितने दिन का ठेका लिया है 350 दिन का ठेका लिया है आगे कहता है कितने पुरुषों को काम पे लगाया पैताल पैतालीस पुरुषों को काम पे लगाया और कै दिन के बाद कहता है कै दिन के बाद 200 दिन के बाद तो इसका मतलब कितने दिन बीत चुके हैं 200 दिन बीत चुके हैं तो 200 दिन तक तो काम किसने किया 45 पुरुषों ने किया तो 200 दिन में कुछ ना कुछ तो काम हुआ होगा वो तो सवाल में जानकारी दी है तो वो कहता है कितना काम हो चुका था चार दशमलव पांच किलोमीटर काम हो चुका है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो काम हो चुका है तो बचा कितना है तो आप कहेंगे तो बारह में से घटाएंगे तो, तो कितना आएगा सात दशमलव पांच किलोमीटर बचा है क्योंकि जो काम हो चुका है वो तो करवा लिया गया जो बचा है उसी के लिए तो डिलीवर बढ़ाएगा तो आप बताइए दोनों को जोड़ेंगे बारह अब इन दोनों का एल्सियम निकाल देखिए पॉइंट हटाएंगे पंद्रह पैंतालीस होता है और पंद्रह पंजे पिछहत्तर तो मैं कह सकता हूं कि तीन काम हो चुका है पांच काम और कराना है अब बताइएगा तो किस काम को कराना है बचे काम को तो ये कौन सा काम है शेष काम है बस हो गया क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है एम वन गुणा डी वन अपोन डब्लू वन डब्लू दे रखा है तो डब्लू वन कर लीजिएगा एम टू गुणा डी टू अपॉन डब्लू टू तो अब एक बात बताइए आदमी कितने थे पैतालीस थे और पैतालीस क्या दिन तक काम कर चुके हैं दो सौ दिन तक काम कर चुके हैं और कितना काम कर चुके हैं तीन तो तीन रख दीजिएगा यहाँ तो वो कहता है कितने आदमी बढ़ाए जाए तो पहले ये रख लीजिए कितने ने किया काम तो एक्स व्यक्ति काम कर रहे हैं अब बताइए पूरा कार्य समय से हो जाए तो समय कितना बचा है टोटल कितने दिन का ठेका था साढ़े तीन सौ का दो सौ दिन का हो चुका है तो बचा कितने दिन का है डेढ़ सौ दिन का तो बताइएगा अब W2 कितना है कार्य कितना है पांच है अब बस सोल्व करना है देखिएगा एक जीरो से एक जीरो काट दो पंद्रह कितना होता है पैतालीस होता है तीन से तीन ये कट जाएगा तो जब देखिए यहां कितना बचा बीस और बराबर इधर क्या बचा एक्स बटे पांच है तो गुणा करेगा तो कितना आएगा सो तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आई सो आ चुकी है तो आप बताइए सो पहले कितने व्यक्ति थे पैतालीस थे और इस समय कितने हैं हैं तो कितने बढ़ाए गए तो आप कहेंगे पचपन गए तो आपसे बड़ी संख्या ही तो पूछ रहा है तो आपका आंसर आप कितना आएगा पचपन यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से एक इसी कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं ए और बी किसी कार्य को दस दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए और बी किसी कार्य को दस दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि hmm. आगे कहता है सी अकेले उसी कार्य को साठ दिन में पूरा कर सकता है तो काम मान लीजिएगा कोई तो इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या, -क्या मान लो साठ तो यहाँ छह आएगा और यहाँ क्या आएगा एक आएगा देखिए क्या आएगी कार्य करने की कार्य क्षमता आ चुकी है अब एक बात बताओ तो कार्य क्षमता कितनी आई तीनों की ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितने का आएगा सात एक दिन में कितना काम करते हैं सात मगर आपकी सबसे पहले लाइन में क्या कहता है ए उतना ही कार्य करता है जितना बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो आपके सवाल में दिया गया है कि ए उतना काम करता है जितना बी और सी कार्य करते हैं तो अब तीनों का काम कितना था सात तो सात को दो हिस्सों में तोड़ दीजिएगा तो इधर कितना आएगा साढ़े तीन इधर कितना आएगा साढ़े तीन ही तो होगा तभी तो सात काम हो पाएगा तब एक बात बताइए आगे कहता है अब सी की तुम्हें कार्य क्षमता कितनी है सी की पर्टिकुलर एक है इसकी कितनी होनी चाहिए दो दशमलव पांच होनी चाहिए कार्य क्षमता तभी तो साढ़े तीन होगी इसकी तो आपको दे रखिये साढ़े तीन अब आपसे क्या कहता है बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा कर पाएगा तो काम अब भी बी के लिए कितना होगा साठ साठ काम को बी करेगा तो बी की कार्य क्षमता कितनी है पॉइंट हटाएंगे जीरो पर आ जाएगा पच्चीस तो, तो कितने दिन में कर पाएगा चौबीस दिन में और यही आपका आंसर आ जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक आदमी पहले पांच दिन प्रतिदिन चार घंटे के हिसाब से अगले पांच दिन प्रति पांच घंटे के हिसाब से और अंतिम पांच दिन छह घंटे के हिसाब से कार्य करके पंद्रह दिन में कार्य पूरा कर सकता है यदि वह प्रतिदिन आधे घंटे लंच ब्रेक के साथ आठ घंटे काम करता है तो वह कितने दिन में पूरा कार्य को कंप्लीट कर लेगा तो आदमी ये है, मगर वो कहता है पांच घंटे सॉरी तो चार घंटे कितने घंटे चार घंटे के हिसाब से कितने पांच दिन काम करता है प्लस अभी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ वो कहता है पांच घंटे के हिसाब से कितने दिन पांच दिन और कार्य करता है आगे कहता है छह घंटे के हिसाब से पांच दिन और कार्य कंप्लीट करता है तो इसका मतलब पूरा कार्य कंप्लीट हो चुका है अभी हम एक काम करें क्योंकि आदमी एक ही है तो कार्य क्षमता तो सेम रहेगी कुछ भी मान लीजिएगा पांच चौ बीस काम यहां हुआ यहाँ पांच पंजे पच्चीस यहां हो चुका है और पांच छंग तीस यहां हो चुका है तो हमारे हिसाब से टोटल कितना हो गया है पिछहत्तर काम हो चुका है आप उसने कहा पंद्रह दिन में पूरा करते हैं तो आप मुझे बताइएगा तो साढ़े सात घंटे काम करने के होंगे क्योंकि ब्रेक वो है जिसमें रुका हुआ है काम तो आप बताइए आठ घंटा प्रतिदिन काम करते हैं मगर आधा घंटा उसमें ब्रेक है तो ब्रेक का घटा देंगे तो साढ़े सात समय रहेगा और साढ़े सात से जब हम इसे भाग करेंगे तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा दस दिन में पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सवाल कहता है बारह पुरुष एक कार्य को सोलह दिन में कर सकते हैं और बत्तीस महिला उसी कार्य को बारह दिन में कर सकती है तो बारह पुरुष है सोलह दिन में पूरा का पूरा कार्य कंप्लीट कर सकते हैं जबकि उसने कहा बत्तीस महिला है उसी कार्य को बारह दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तो बारह से बारह कट जाएगा सोलह दुनी कितना होता है बत्तीस होता है तो यहाँ क्या बचेगा एक आदमी बराबर कितनी महिला दो महिला आदमी और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ चुका है दो अनुपात एक आ चुका है आगे सवाल में क्या कहता है आठ पुरुष आठ महिला ने बारह दिन तक सात काम किया इसके बाद देखिए महिलाओं ने काम छोड़ दिया और आठ पुरुष शामिल हो गए तो आप बताइए सबसे पहले काम निकालिए क्योंकि जब कोई काम होगा तभी तो कराया जाएगा तो काम कैसा निकालेंगे चाहे निकाले, इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए तो कितने आदमी है बारह आदमी तो बारह आदमी आते हैं और लगातार कै दिन लगाते हैं सोलह दिन तब जाकर काम हो पाता है एक आदमी कितना काम करता है दो तो बारह धोनी चौबीस हो गया चौबीस गुणा सोलह तो आप बताइए सोलह चौका चौसठ होता है छह आप बताइए सोलह दुनी बत्तीस और बत्तीस और छह कितना होता है अड़तीस होता है तो टोटल काम कितना था अड़तीस था आगे क्या कहा तो ये टोटल काम है अब आगे कहता है देखिएगा आठ पुरुष आठ महिलाओं ने बारह दिन तक काम किया इसका मतलब कार्य शुरू हो गया है बारह आठ पुरुष थे और कितनी महिला आठ महिलाओं ने कार्य करना चालू कर दिया और क्या दिन तक कार्य कर लिया बारह दिन तक कार्य कर चुकी हैं उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है उसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया और आठ पुरुष शामिल हो गए तो महिला काम छोड़ देती है और कितने पुरुष शामिल हो जाते हैं आठ पुरुष तो आठ पुरुष पहले ही थे और आठ हो तो जाते तो कितने पुरुष काम करते हैं अब सोलह है पुरुष अगला वाला तो अब देखते हैं कितना दिन में हो जाएगा तब तो एक बात बताइए मैं आपसे कहूं आठ पुरुष आठ महिला एक पुरुष कितना काम करता है दो तो, तो आठ पुरुष ने कितना किया होगा सोलह और एक महिला एक तो आठ इन्होंने किया होगा तो बताइए चौबीस काम होता है तो चौबीस काम हुआ और कै दिन तक काम हुआ बारह दिन तक तो आप बताइए बारह चौबीस गुणा बारह अब बताओ कितना आएगा बारह चौक अड़तालीस होता है चार बारह दुनी चौबीस चौबीस और चार कितना होता है अट्ठाईस तो इसका मतलब कितना काम हो चुका है दो सौ अट्ठासी काम हो चुका है अब बचा काम कितना तो आप घटाएंगे देखिए यहां कितना आएगा आठ में से सॉरी तो दी चार में से आठ नहीं जा सकता चौदह चौदह में से आठ गए तो छह आएगा और यहाँ बचा कितना बचा यहाँ है. तो आ जाएगा इसका छियानवे काम, 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 तो तो काम को करने में कितने दिन लगेंगे तीन दिन लगेंगे तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा पुरुषों के द्वारा तीन दिन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करने लायक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कहता है 35 व्यक्ति एक कार्य को चौबीस दिन में कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन छह दिन तक सात काम करने के बाद उन्हें नियोजित किया देखिए उन्हें नियुक्त चाहता है कि सोलह दिनों में कार्य पूरा कर सके समय सीमा में कार्य को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को नियुक्त करना चाहिए देखिए कितना है पैंतीस पुरुष है पैंतीस पुरुष कितने कार्य कितने दिन में कार्य को कर सकते हैं 24 दिन में पूरा का पूरा कार्य कर सकते हैं अब देखिए उन्होंने छह दिन तक एक साथ कार्य किया तो यह ऐसा ऐसा कर लीजिए कोई काम था ये काम था इनको काम कितने दिन में कंप्लीट कराना है 24 दिन में पूरा कंप्लीट काम कराना है कितने व्यक्ति है? हैं? पैंतीस व्यक्ति हैं कै दिन काम कर चुके हैं छह दिन काम कर चुके हैं तो छह दिन में कोई ना कोई तो काम हुआ होगा अब आगे कहता है कितने पुरुष बेटा कार्य समय से कार्य को यदि कुल काम सोलह दिन में पूरा हो जाए तो समय सीमा में कार्य को पूरा कराने के लिए कितने व्यक्ति को काम पे लगाना चाहिए तो कै दिन हो चुके हैं छह दिन हो चुके हैं और टोटल कार्य सोलह दिन में कराना तो कितने दिन का है दस दिन का काम बचा है तो कितने व्यक्ति बढ़ाने चाहिए तो पहले कितने थे पैंतीस थे तो पैंतीस से कितने बढ़ा लो एक्स और कै दिन तक करेंगे दस दिन तक करेंगे तब जाकर कार्य पूरा हो पाएगा तो अब एक बात बताइए कार्य पूरा हो जाता है पैंतीस तो यदि बढ़ाए ना जाते तो कौन कार्य करते पैंतीस ही कार्य करते और पैंतीस के पैंतीस कितने दिन में कार्य करते क्योंकि कितने दिन का हो चुका है छह दिन का तो आप बताइए कितने दिन में करते अठारह दिन में करते यही तो कहना चाहता है क्योंकि छह दिन का हो चुका था टोटल चौबीस दिन में कराना था तो बस इसको सोल्व करिए तो इधर लाएंगे तो कितना आएगा तीन सौ पचास प्लस दस एक्सरा नब्बे होता है तो नौ आ जाएगा अट्ठारह दिया चौवन चौवन में हम जब कितना जोड़ेंगे नौ जोड़ेंगे तो आप बताएंगे कितना आएगा तिरसठ आएगा अब इसको इधर लेके जाइए तो दस एक्स बराबर अब मैं घटाता हूं इधर से देखिएगा तो यहाँ जीरो आएगा और यहाँ कितना आएगा आठ आएगा और यहाँ दो आएगा तो आप कह सकते हैं कितने व्यक्ति बढ़ाने चाहिए अट्ठाईस व्यक्ति बढ़ाने चाहिए और यही आपका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनिल और बलबीर एक कार्य को तीन दिन में पूरा कर सकता है तो आप बताइए अनिल है और बलबीर है एक कार्य को तीन दिन में पूरा कर सकता है उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन दो दिन के बाद अनिल घायल हो जाता है और कार्य को समाप्त करने के लिए बलबीर को दो दिन और लगते हैं तो केवल बलबीर कितने दिन में उस कार्य को पूरा कर सकता है तो उसमें क्या कहा गया है देखिएगा अनिल और बलबीर किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तीन दिन में कंप्लीट कर सकते हैं उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया तो किसने शुरू किया दोनों ने क्या दिन का कार्य कर लिया है दो दिन का कार्य कर लिया है आगे कहता है लेकिन दो दिन के बाद अनिल घायल हो जाता है तो अनिल घायल हो जाता है तो कौन जाएगा बी जाएगा और कार्य को समाप्त करने के लिए बलबीर को दो दिन और लगते हैं इसका मतलब बलबीर अगला कार्य क्या दिन तक करता है दो दिन तक कार्य करता है और कार्य समाप्त हो जाता है तो अभी हमारे पास कार्य क्षमता है नहीं तो अब देखिए सवाल क्या था ये तो अब तक हमने सवाल पढ़ा है अब देखिएगा मैं आपसे कह सकता हूं कि देखिए दोनों करें तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा दिन में मगर ए प्लस कार्य करे दो कंप्लीट होता है तो जो काम इधर तीन दिन में होता है वो इस प्रकार से दो दिन ये और दो दिन ये तो अब देखिए ए प्लस भी दो दिन का कार्य इधर है तो धन ले आएंगे घट जाएगा तो आप बताए ए प्लस बी बराबर कितने के होगा टू बी के होगा तो इसको इधर ले जाइए तो बराबर भी इसका मतलब दोनों की कार्य क्षमता क्या है समान है ए अपॉन बी वन रेशियो वन आ जाएगा अब इसके बाद क्या होता है पहले हमने कार्य क्षमता निकाली उसके बाद हमें काम निकालना है तो काम दोनों के द्वारा कितने दिन में पूरा हुआ था तीन दिन में तो आप बताइए ये भी एक करता है ये भी एक करता है तो एक एक हिसाब से तीन दिन में कार्य पूरा हुआ तो कितना काम हो गया छह काम था और छह काम को वो अकेला बलबीर करना चाहता है तो बलवीर एक दिन में कितना करता है एक काम करता है तो छह काम को कितने दिन में करेगा छह दिन में और यही आपका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसने कहा है पी और क्यू प्रतिदिन आठ घंटे काम करके एक काम को पूरा करते हैं पी अकेले प्रतिदिन आठ घंटे काम करके बारह दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है जबकि क्यू जो है अकेले बारह घंटे काम करके उस कार्य को दस दिन में समाप्त कर सकता है तो उनके साथ मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा दोनों के साथ बेटा सब बताइए पी अकेला करता है आठ घंटे के हिसाब से तो पूरा काम बारह दिन में कंप्लीट हो जाता है जबकि उसने कहा आगे क्यू जो है कार्य करता है बारह घंटे के हिसाब से तो पूरा कार्य दस दिन में कंप्लीट हो जाता है अब बारह से बारह कट जाएगा अब यहां दो से भाग करिए पांच आएगा और यहां कितना आएगा सॉरी चार आएगा भी। दो से भाग कर यहां चार आएगा और यहां कितना आएगा पांच आएगा तो आप बताइए पी गुणा चार बराबर कितने के क्यू गुणा पांच के तो पी अपॉन क्यू की कार्य क्षमता पांच बटे कितनी हो जाएगी चार हो जाएगी अब तुरंत कार्य क्षमता निकल गई तो काम निकालिए तो काम या इधर से निकाल लीजिएगा या इधर से निकाल लीजिए तो काम कैसे निकालेंगे उसने कहा पी करता है पी की कार्य क्षमता पांच है आठ घंटे के हिसाब से बारह दिन में कर ले तो ये क्या हो गया टोटल काम हो गया अब टोटल काम को दोनों से कराना है और आठ घंटे के हिसाब से कराना है तो अब एक बात बताइए पांच गुणा आठ गुणा बारह गुणा करने की जरूरत नहीं है अब दोनों को कराना है तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है P और की पांच और चार नौ नौ और आठ घंटे के हिसाब से कराना है आठ से आठ कट जाएगा तीन से काट तीन तीन नौ और तीन चौक बारह तो ऊपर आ जाता है बीस और नीचे आ जाता है तीन और बीस बटे तीन दिन को हम कह सकते हैं छह सही दो बटा तीन दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे पहले ध्यान से पढ़िए एक आदमी किसी कार्य को बारह दिन में समाप्त करने में सक्षम है लेकिन एक लड़का एक दिन में एक आदमी के द्वारा किए गए के काम केवल के एक तिहाई के बराबर काम कर सकता है एक यदि आदमी एक दिन में पांच सौ पच्चीस रुपए कमाता है तो लड़के को उसके दो देखिएगा लड़कों को उसके काम के एक दिन के कितने रुपए मिलते हैं तो आगे बताइए एक आदमी जो है किसी कार्य को बारह दिन में कंप्लीट कर सकता है उसने कहा अब जो लड़का है लड़का जो है जो आदमी काम करता है उसका एक तिहाई काम करता है तो ये एक काम करता है आदमी कितना काम करता है मान लो तीन काम करता है तो लड़का कितना काम करता हो एक है तो ये क्या है दोनों की कार्य क्षमता है तो आपको ये पता है जैसा कोई व्यक्ति कार्य करता है वैसा उसको धनराशि दी जाती है तो आदमी को मिलने वाली कितनी है पाँच तो हम कह सकते हैं कि पांच कितने के बराबर होगी तीन के बराबर तो तीन से भाग करेंगे तो एक का मान क्या आएगा तीन ही के नाम तीन तीन सत्य इक्कीस होता है और तीन पंजे पंद्रह होता है तो एक की वैल्यू कितनी आई एक सौ पिछहत्तर तो लड़के को मिलने वाला धनराशि कितनी प्राप्त होगी एक सौ पिछहत्तर रुपए प्राप्त होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है शरण जो है मयुक एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं आगे कहता है परंतु मयुक इस कार्य को अकेला करता है तो एक तिहाई का एक तिहाई कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है इसके बाद शरण कार्य को अकेला करता है तो इस प्रकार दोनों मिलाकर कार्य को चालीस दिन में पूरा कर पाते हैं यदि मयुक शरण से ज्यादा तेज कार्य करता है तो शरण अकेले कितने दिन में पूरा कार्य कर सकता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसने कहा है देखिए शरण जो है और मयूक मिलकर किसी कार्य को अट्ठारह दिन में पूरा कंप्लीट कर लेते अब उसने आगे दे रखी इनका देखिएगा परंतु मयुक उस कार्य को अकेले करता है तो एक तिहाई कार्य करके छोड़ देता है इसके बाद शरण अकेले कार्य करता है और इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं तो आपसे मैं कह सकता हूं किस प्रकार से कोई काम था मयुक उसका एक तिहाई काम करता है फिर देखिए मयुक फिर छोड़ देता है तो बचा कितना दो तिहाई इसको फिर कौन करता है शरण करता है और इस प्रकार से पूरा का पूरा कार्य यहां से लेकर यहां तक चालीस दिन में कंप्लीट हो जाता है ये सवाल की भाषा कहना चाहते तो आप देखिएगा या तो इसे ऑप्शन से कर लो सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन से करना देखिए यह सवाल है या तो आप पूरा डाटा बना लीजिएगा तो मैंने कहा ऑप्शन का मान लीजिए आपको क्या दे रखा है शरण अकेला कितने दिन में पूरा कार्य कर सकता है तो हमने ऑप्शन माना कितना पैतालीस दिन में कर सकता है कोई कहेगा तुम्हें कैसा पता है पैतालीस दिन हो सकता है तो बेटा इतना तो सोचना पड़ेगा तो शरण मान लीजिए कितने दिन में पूरा कंप्लीट कर सकता है पैतालीस दिन में कर सकता है तो हम कह सकते हैं ये पैंतालीस दिन में करता है दोनों अठारह दिन में करते हैं तो दोनों कैल्सियम कितना आएगा नब्बे तो ये दो कार्य क्षमता और कितनी अठारह पंजे नब्बे तो देखिए चालीस दिन कंप्लीट आने चाहिए इस सवाल के हिसाब से यदि चालीस दिन कंप्लीट आते हैं तो जो ऑप्शन आपने माना वो सही है तो आप एक बात बताइए तो शरण जो है दो काम करता है तो ये दो काम करता है इसके अनुसार तो ये कितना करना चाहिए तीन करना चाहिए अब तीन के हिसाब से यदि चालीस दिन कंप्लीट आते हैं दोनों के तो आपने जो वैल्यू मानी है वो करेक्ट है तब उसने का एक तिहाई काम, तो, का? का, तो नब्बे किया, तो किया होगा शरण ने किया होगा तो बताइए तीस काम ने किया मयंक ने किया एक दिन में कितना करता है मैं? तीन तो तीन के हिसाब से तीस को करने में कितना दिन लगे होंगे दस दिन इसका मतलब ये दस दिन है और यहाँ साठ है और साठ कितने किया शरण ने तो दो से भाग करेंगे शरण की कार्य क्षमता दो है तो कितना दिन आएगा तीस दिन तो आप देखिएगा यहाँ तीस दिन है और यहाँ कितने दिन है दस दिन तो तीस और दस कितने होते हैं चालीस के पूरा काम चालीस दिन में कंप्लीट हुआ नहीं हुआ तो आप करने को पूरा का पूरा सवाल मान के भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो आपका आंसर कितना होगा पैंतालीस तीस मानोगे तो तीस के हिसाब से नहीं है अगर ये दोनों वैल्यू तो बाद में मानना क्योंकि आप बताइए वैल्यू ऐसी मानी जाती है थोड़ा सा परफेक्ट होती है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को बारह दिन में कर सकते हैं A को कार्य करने के कुछ दिन के पहले ए और बी कितने दिन में कार्य कर सकते हैं बारह दिन में एक को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ता है और इसी कारण इस कार्य को पूरा होने में सोलह दिन लग जाते हैं यदि अकेले ए उस कार्य को करता है तो इक्कीस दिन में पूरा कार्य कंप्लीट कर लेता है तो कार्य खत्म होने से कितने दिन पहले ए की छुट्टी पर चला गया था तो देखिए सवाल में क्या कहता है ए और बी कितने दिन में कार्य कर सकते हैं बारह दिन में लेकिन नीचे क्या दिया रखा है ए अकेला पूरा कार्य करे तो पूरा का पूरा कार्य 21 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो देखिएगा इनका एक काम मान लीजिएगा कोई तो काम कितना आएगा तो आप कहेंगे चौरासी आएगा तो बारह सत्य चौरासी और ये कितना चार तो दोनों की कार्य कार्यक्षमता आपने निकाल ली दोनों प्रकार से सब तो एक बात बताइए एक ही कितनी कार्य क्षमता है चार जब इसकी चार है और टोटल सात है तो इसकी कितनी होनी चाहिए तीन कार्य क्षमता होनी चाहिए अब उसने क्या कहा देखिएगा देखिए कार्य होने के कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ता है इसी कारण कार्य सोलह दिन में कंप्लीट होता है तो अब एक बात बताइए यदि मैं आपसे कहता हूं कुछ दिन पहले किसको छोड़ना पड़ा ए को तो ए आगे नहीं जाता है तो आगे कौन गया होगा बी और यहां से लेकर यहां तक कार्य कितने दिन में पूरा कंप्लीट हुआ सोलह दिन में कंप्लीट हुआ अब बताइएगा अब मैं आपसे कहता हूं सोलह दिन में कंप्लीट हुआ शुरुआत किसने करी होगी ए प्लस बी ने आप मुझे देख बताइए सबसे पहले शुरू से लेकर अंत तक शुरू से लेकर अंत तक कौन बना रहा कार्य में बी बी ने तो कार्य नहीं छोड़ा शुरुआत भी करी है और खत्म भी किया है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बी जो है सोलह दिन तक कार्य में रहा होगा तो आप बताइए बी का काम निकाल लेते हैं तो बी का काम कैसे निकालोगे आप बताइएगा सोलह दिन का काम निकाल लीजिएगा बी का तो जब बी का सोलह दिन का काम निकालेंगे एक दिन में बी कितना करता है तीन तो सोलह गुणा तीन तो सोलह अड़तालीस काम तो केवल किसने करा है बी ने किया है किस में से चौरासी में से तो अब बाकी काम किसका होगा एक का जो एक काम करा है एक का काम निकाल लीजिएगा एक का काम क्या है जब घटाएंगे तो कितना आएगा छत्तीस काम ये किसका है एक का एक ही कार्य क्षमता कितनी है चार है और चार से जब भाग हाँ करेंगे तो इसका मतलब ए कितने दिन तक कार्य में रहा नौ दिन तक कार्य में रहा और टोटल कार्य कितने दिन में खत्म हुआ तो आप मुझे बताइए कितने दिन में खत्म हुआ सोलह दिन और ए ने क्या दिन तक कार्य किया नौ दिन क्या दिन पहले छुट्टी तो आपसे यही तो पूछा है कि कितने दिन देखिएगा आपसे पूछा गया है काम के खत्म होने से कितने दिन पहले एक छुट्टी पर चला गया था तो देख कर आंसर मत मार दीजिएगा कि आंसर नो हो गया तो नौ दिन तक तो रहा है कितने दिन पहले छुट्टी पर बेटा तो सोलह में से नो घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा सात दिन पहले कार्य खत्म होने से पहले छुट्टी पर चला गया था अब देखते ही आंसर नो मिल जाए नो मारेंगे गलत हो जाएगा आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स बाई और जेड मिलाकर एक कार्य को एक दिन में पूरा कर सकते हैं बाई सॉरी एक्स और जेड मिलाकर उतने ही कार्य को उतना ही काम कर सकते हैं जितना काम बाई अकेले करता है जबकि बाई और जेड मिलाकर एक्स से पांच गुना ज्यादा काम कर सकते हैं तो कार्य पूरा करने में जेड द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए तो आप बताइए एक्स बाई और जेड जो है पूरा का पूरा कार्य एक दिन में खत्म कर सकते हैं आगे कहता है एक्स और जेड मिलाकर मिलाकर उतना ही काम कर सकते हैं जितना काम कौन करता है बाई बाई कर सकता है जबकि आगे क्या कहा बाई और जेड मिलाकर उतना ही काम कर देखेगा बाई और जेड मिलाकर एक्स से कितना गुना ज्यादा काम कर सकते हैं पांच गुना ज्यादा काम कर सकते हैं तो आप बताइए ये पांच काम, काम, तो काम, काम करेगा नहीं करेगा तो आप बताइए एक्स बाई जेड की कार्य क्षमता आपके पास है तो अब यहां देखिएगा बड़ा आसान हो जाता है एक्स एक्स बाई और जेड तो एक्स बाई जेड का हम कह सकते हैं एक्स प्लस बाई प्लस जेड जो है कितना काम करता है छह काम करता है अब तुम कहोगे यहां पर कैसे लिखें तो छह को तोड़ दो यहां कितना काम करेंगे तीन तो यहां भी कितना करेंगे तीन ही तो काम करेंगे नहीं करेंगे तो आप मुझे बताइए क्योंकि तीन और तीन तभी तो होगा और जिसमें एक्स का मान कितना है एक्स का मान एक है तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है एक है और टोटल तीन है तो इसका मान कितना होना चाहिए दो होना चाहिए तो तीनों की कार्य क्षमता आपने अलग अलग मान ली है तो आप बताइए एक्स बाई और जेड एक्स कितना करता है एक बाई कितना करता है दो और जेड कितना करता है तीन तभी तो टोटल छह होगा और आपके सवाल में ऊपर दे रखा है ये तीनों एक साथ काम करें तो एक दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो आप बताइए एक दिन में कार्य कंप्लीट होगा तो एक दिन में कितना काम करते हैं छ छुणा एक तो काम कितना हो गया छह तो छह काम को किससे कराना है जेड द्वारा जेड की क्षमता कितनी है तीन है तो तीन से भाग कर दिएगा तो तीन दो नहीं तो आप कह सकते हैं जेट पूरा का पूरा कार्य कितने दिन में खत्म कर सकता है दो दिन में पूरा कार्य खत्म कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋतु की दक्षता राकेश से साठ परसेंट अधिक है तो देखिए ऋतु जो है ऋतु जो है किससे राकेश से कितना परसेंट अधिक कुशल है साठ परसेंट तो आप कह सकते हैं ये सो काम करती है करता है राकेश तो ये कितना काम करे एक सौ साठ काम क्योंकि साठ परसेंट अधिक दक्ष है तो आप बताइए इन दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आएगा पांच और इसका आठ आ जाएगा तो ये कार्य करने की कार्य क्षमता का अनुपात है मगर आपको समय का अनुपात चाहिए तो समय का अनुपात कितना होगा पांच अनुपात आठ क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं आगे कहता है देखिए एक कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या के बीच का अंतर अठारह है तो आप बता सकते हैं दोनों के बीच का अंतर कितना है तीन और सवाल में कितना अठारह एक का मान कितना आएगा एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो आप बताइए यहाँ पर लिख सकते हैं कितना छह तो एक की वैल्यू छ है तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी टोटल इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 30 दिन और इसका मान कितना जाएगा आठ छंग अड़तालीस इसका मतलब ये काम 48 दिन में पूरा कर लेता है और ये कितने दिन में करता है 30 दिन में करता है यदि मैं आपसे कहता हूं देखेगा उसने कहा देखिए ऋतु जो है कितना काम करती है आठ काम करती है और कै दिन में कंप्लीट किया है तीस दिन में तो आप काम निकाल सकते हैं तो काम निकालेंगे तो काम कैसे निकलेगा तो आप कहेंगे तीस गुणा आठ चाहे आप इधर से निकाल ली जब भी यही आएगा तो दो सौ चालीस क्या था काम था अब आगे क्या कहा गया तो कहता है राहुल की दक्षता ऋतु से साढ़े बारह परसेंट कम है राहुल की दक्षता ऋतु से साढ़े बारह परसेंट कम है तो यदि मैं आपसे कहूं यहां देखिएगा आगे समझाया गया है राहुल जो है राहुल ऋतु से ऋतु से कितना कम है साढ़े बारह परसेंट कम दक्ष है तो इसका हम कह सकते हैं एक बट्टा कितना होता है आठ होता है तो ऋतु आठ काम करेगी तो राहुल कितना काम करेगा सात काम करेगा अब बताइए ऋतु की क्षमता कितनी है आठ ही है तो दोनों जगह कार्य क्षमता समान है ऋतु की तो टोटल आप क्षमता निकाल सकते हैं पहला कौन था ऋतु है और ऋतु के साथ कौन है? है राकेश है राकेश है और देखिएगा आगे कौन था राहुल अब ऋतु दोनों में कॉमन है तो ये आठ काम काम करती है आठ के हिसाब से राकेश देखिए राहुल कितना होगा सात और राकेश कितना होगा पांच होगा अब टोटल काम पहले ही आपने निकाल लिया था टोटल काम कितना निकाला था 240 अब 240 को तीनों से करवाना है तो 240 ऊपर आएगा और तीनों की कार्य क्षमता जोड़ दीजिएगा तो यहां कितना आएगा बारह बीस और बीस के हिसाब से 240 काम को करने में कितना दिन लगेंगे 12 दिन और यही आपका आंसर हो जाएगा 12 दिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है रोहित कुलदीप और कुणाल एक कार्य को 15 दिन 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं तीनों ने काम करना शुरू किया लेकिन एक साथ काम करने के 4 दिन बाद एक छोटी सी दुर्घटना के कारण रोहित और कुलदीप की दक्षता उनकी मूल दक्षता से 5/6 और कुणाल की दक्षता मूल दक्षता से तो दो बटा तीन दो बटा तीन गुना हो जाती है तो दुर्घटना के बाद शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है तो देखिएगा रोहित जो है रोहित किसी कार्य को पंद्रह दिन में पूरा कंप्लीट कर सकता है जबकि कुलदीप जो है उसी कार्य को तीस दिन में पूरा कंप्लीट कर सकता है और कुणाल जो है कुणाल है कुणाल के बारे में क्या कहा गया कुनाल के बारे में कहा गया है पूरा का पूरा कार्य चालीस दिन में कंप्लीट कर सकते तो सबके लिए काम समान था तो काम मान लीजिएगा तो काम कितना होगा पंद्रह तीस और चालीस कैल्सियम कितना होगा एक सौ बीस होगा तो एक सौ बीस पंद्रह एक सौ बीस होता है चार आएगा और यह कितना आएगा तीन आएगा तो तीनों की कार्य क्षमता हमने निकाल ली आगे क्या कहता है ध्यान दीजिएगा आगे का क्या कहा तीनों ने कार्य करना शुरू किया तो तीनों ने कार्य करना शुरू किया है तो देखिए कौन था रोहित था और रोहित के साथ कौन है कुलदीप है और कुलदीप के साथ कौन है कुनाल है अब ये तीनों के साथ कार्य करना चालू करते हैं और कै दिन के बाद चार दिन के बाद एक दुर्घटना हो जाती तो चार दिन तक तो सात काम किया होगा तो चार दिन तक देख बताइए इसने चार इसने सॉरी आठ चार तेरह देखिए आठ चार बारह बारह और तीन कितना होता है पंद्रह पंद्रह के हिसाब से चार दिन तक काम चला तो कितना काम हुआ साठ काम तो साठ काम हो चुका है कितने में से एक सौ बीस में से साठ हो चुका है तो बचा कितना है बचा काम बचा काम है साठ अब दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के बाद क्या होता है रोहित और कुलदीप की दक्षता में मूल दक्षता से पांच वच तो कुलदीप की दक्षता कितनी और रोहित की तो रोहित की जो भी दक्षता थी तो रोहित की कितनी थी थी। अब आठ से काम नहीं करेगा आठ का कितना काम करेगा पांच बटा पांच बटा तो आप बताइए कितना काम होगा अब दो से काट दीजिएगा यहाँ तीन आएगा और यहाँ कितना आएगा चार इसका मतलब अब ये मूल कार्य ना करके कितना काम करेगा बीस बटे तीन काम करेगा इसी प्रकार से कुलदीप है अब कुलदीप क्या करेगा जितनी उसकी क्षमता थी कितनी थी चार थी अब चार काम नहीं करके उसका कितना करेगा पांच बटा है, कितना आएगा दो और यहां तीन आ जाएगा तो दस बटे तीन काम यह करेगा अब इसी प्रकार से कुनाल है तो कुनाल क्या करेगा कुनाल की क्षमता कितनी थी कुनाल की क्षमता थी तीन मगर वह तीन काम ना करके अब कितना काम करेगा दो बटा तीन काम करेगा तो तीन से तीन कट जाएगा इसका मतलब दुर्घटना के बाद इनकी कार्य क्षमता इस प्रकार से हो जाती है तो एक दोनों को हम जोड़ ले तो आप बताइए तो तो कितना आएगा दस काम तो इन दोनों का और दो काम इसका तो काम कितना होगा तीनों हो का बारह काम होगा तो वो कहता है दुर्घटना के बाद शेष कार्य को करने में लगने वाला समय ज्ञात करिए तो आप बताइए कितना आएगा यहाँ पर साठ तो साठ काम बचा था और बारह के हिसाब से कार्य होगा कितना टाइम लगेगा पांच दिन का समय लगेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप कह सकते हैं कितना दिन आएगा पांच दिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है x बाई और z जो है दस बीस और तीस दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं तो आप बताइए एक्स कितने दिन में कर सकता है दस दिन में बाई जो है बीस दिन में कार्य कंप्लीट कर सकता है और जेड जो है उसी कार्य को तीस दिन में कंप्लीट कर सकता है तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी आएगी साठ तो देखिएगा सॉरी कार्य काम कितना है साठ तो यहाँ छह यहाँ तीन और यहाँ दो तो ये क्या है कार्य करने की कार्य क्षमता है अब आगे है यदि एक्स बाई और जेड की सहायता से प्रत्येक एक एकांतर दिन में काम करते हैं किसकी सहायता है एक्स बाई और जेड की सहायता तो इसका मतलब x को सहायता प्राप्त होती है बाई और z की तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा तो पहले दिन तो कौन करेगा x फिर करेंगे एक्स प्लस बाई प्लस जेडर दिन में x की सहायता करता है और जेड तो कितने दिन का काम हो चुका है दो दिन का काम हो चुका है तो दो दिन में कितना काम हुआ होगा तो आप बताइए यहां कितना काम हुआ था तो यहां था छह काम और यहां तीनों का कितना काम कितना है छह तीन नौ नौ दो ग्यारह तो ग्यारह काम यहां हुआ और छह यहां हुआ तो ग्यारह और छह कितना होता है सत्रह तो एक दिन में सत्रह काम होता है हमें करना कितना है साठ तो देखिएगा यहाँ कितनी बार चार बार तो ज्यादा ज्यादा सत्रह दिया इक्यावन तो इसका मतलब तीन पेयर बने हैं कितने कितने दिन के दो दो दिन के तो टोटल दिन कितने आएंगे छह दिन और छह दिन में कितना काम हुआ है इक्यावन काम हुआ है तो आप मुझे बताना छह दिन में इक्यावन काम होता है तो बचा काम कितना है तो अब पेयर की शुरुआत फिर दोबारा कौन करेगा एक्स करेगा तो बताइए बचा कितना है तो आपका काम कितना था साठ था तो अगले एक दिन कौन काम करेगा एक्स काम करेगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे करा दिए गए हैं दिन में कितना काम करता है तो जैसे ही छोटे काम हुआ तो, तो काम हो चुका है और टोटल दिन कितने हो गए तो, तो सात दिन में कितना काम हो चुका है सत्तावन तो बचा कितना तो आप कहेंगे तीन अब तीन को कौन करेगा एक्स तो करेंगे नहीं ये करेंगे तीनों एक साथ तो तीनों एक साथ एक दिन में कितना करते हैं ग्यारह तो आप कहेंगे टोटल दिन कितने लगेंगे सात सही तीन बटा ग्यारह दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगे कहता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से करना व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को निश्चित समय में पूरा कर कर सकता है यदि समूह में चार व्यक्ति अधिक होते तो कार्य समाप्त करने में दो दिन कम लगते यदि समूह में छह व्यक्ति कम होते तो कार्य समाप्त करने में चार दिन का अधिक समय लगता तो कार्य देखिए आरंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए तो आप बताइए पहले व्यक्ति कितने थे हमें नहीं पता और जब व्यक्ति नहीं पता तो समय का भी नहीं पता होगा तो हम ये मान लेते हैं व्यक्ति कितने थे एक्स थे और समय कितना लगा बाई अब उसने कहा तो काम कितना हो गया क्योंकि व्यक्ति आएगा समय कर, लगाएगा तभी तो क्या आएगा काम तो हम कह सकते हैं इनके हिसाब से काम कितना हो गया एक्स बाई हो गया अब आगे क्या कहता है कंडीशन क्या है यदि चार व्यक्ति अधिक होते तो कितने अधिक होते चार व्यक्ति अधिक होते तो उसको कार्य करने में कितने दिन का कम समय लगता तो उसने कहा दो दिन कम समय लगता तो बाई के टू, तो ये भी तो काम होता है दोनों गुणा करेंगे तो काम आ जाएगा अब गुणा कर लेते हैं एक्स बाई और जब इसकी गुणा इधर करेंगे तो यह क्या आएगा माइनस के टू एक्स और जब इसकी गुणा इधर करेंगे तो प्लस के चार बाई कितना आएगा चार बाई और यहां पर देखिएगा माइनस के आठ हंड्रेड यही तो काम है अब आगे क्या कहता है दूसरी कंडीशन क्या थी दूसरी कंडीशन कहता है यदि कितने व्यक्ति कम होते छह व्यक्ति कम होते एक्स माइनस छह तो दिनों की संख्या कितनी ज्यादा लगती वो कहता है चार दिन ज्यादा लगते तो बाई प्लस चार तो दोनों मिलेंगे तभी तो काम होगा तो काम गुणा करिए तो x बाई आएगा जब एक्स वाई इधर आ जाएगा तो इसके गुणा इधर करेंगे तो ये क्या प्लस के चार वाई चार एक्स माइनस के छह माइनस के चौबीस तो कंडीशन निकाल चुके हैं पहला काम दूसरे के हिसाब से काम और तीसरे के हिसाब से काम ये तीनों काम बराबर है बस अलग अलग कंडीशन में कार्य को किया गया था चलो आप बताइएगा इन दोनों को एक साथ लेते हैं इन दोनों को एक साथ तो एक समीकरण बनेगी एक्स बाई एक्स वाई माइनस के टू एक्स प्लस के चार वाई और माइनस के आठ एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा इसे दल लिया तो टू एक्स प्लस के चार वाई अब यहां देखिएगा अब इधर लाएंगे तो यहां माइनस के आठ बचेगा तो एक इक्वेशन आपके पास आ जाती है आप इसको इसके साथ ले लीजिएगा दूसरे वाले के साथ तो यहां क्या आएगा एक्स वाई बराबर एक्स बाई प्लस के चार एक्स माइनस के बाई माइनस के चौबीस तो एक्स से एक्स बाई बाई से कट जाएगा उसको इधर लाइए या ऐसे लिख दीजिएगा चार एक्स माइनस बाई और बराबर चौबीस तो दूसरी इक्वेशन ये आएगी ये आपके पास एक इक्वेशन ये है और एक वो है तो दोनों को सोल्व करिए देखिएगा यहां पर क्या है टू फोर एक्स है और यहां क्या है टू एक्स है तो दोनों को देखिए बराबर करने के लिए एक्स का कंपोनेंट बराबर करने के लिए गुणा कर देंगे टू से गुणा करेंगे तो यहां कितना आएगा आएगा जाएगा कितना आ माइनस के सोलह आ जाएगा तो दोनों में एक्स के फैक्टर जो है एक्स का गुणांक जो है कोफिशिएंट इक्वल हो चुका है और जब हम सोल्व करेंगे इसको इधर तो आप कहेंगे कितना आएगा चार एक्स माइनस के चार बाई चार देखिए आठ बाई कितना आएगा आठ बाईर माइनस सोलह इसी प्रकार से ही है? चार एक्स माइनस के छह चौबीस के अब जब घटाएंगे तो ये चिन्ह देखिए प्लस वाला माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा अब देखिएगा यहां से जब घटेगा तो इधर कितना आएगा तो टू बाई आएगा माइनस के इधर भी कितने का आएगा चालीस आ जाएगा कितना आएगा चालीस तो टू बाई चालीस तो बाई का मान क्या जाएगा बीस दिन आ गया। और जब बाई का मान बीस दिन आ गया तो आपसे टोटल टाइम तो निकल गया कितना बीस दिन मगर आपसे क्या पूछा है? व्यक्तियों की संख्या है। इसको आप कोई दीजिएगा तो यहां रखिएगा तो आप कहेंगे देखिए यहाँ गुणा करेंगे बाई की वैल्यू तो चार एक्स माइनस के एक सौ बीस होगा और बराबर आएगा एक सौ चौबीस इसको इधर लेके जाएंगे तो चार एक्स बराबर कितने के आएगा एक सौ चौवालिस आएगा और जब चार से भाग करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास तो ये एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर देखिएगा छत्तीस इसका मतलब शुरुआत में कितने व्यक्ति थे आपसे पूछा छत्तीस थे तो आपसे पूछा क्या गया था आरंभ में समूह में कितने व्यक्ति थे तो आप बता सकते हैं कि शुरू में कितने व्यक्ति थे छत्तीस व्यक्ति थे और यही आपका आंसर हो जाएगा देखिएगा आज ये जो टाइम एंड वर्क का लास्ट क्वेश्चन था आगे जब आपकी क्लास होगी नए टॉपिक से होगी देखिएगा ठीक है अगले टॉपिक में मिलते हैं